सब्जेक्ट एस्टीमेट। आज हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब मापने की इकाइयाँ। हमारी बिल्डिंग में यूनिट ऑफ मेजरमेंट की क्या जरूरत पड़ रही है हमें? एक बिल्डिंग में कई सारे आइटम होते हैं। आप जब बिल्डिंग बनाएंगे, दीवार बनाते हैं, दरवाजे लगाते हैं, नींव खोदते हैं, तो उनकी मात्राएं हमें निकालनी होती है अपने एस्टीमेट में। अब मात्राओं को निकालने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मात्रक की, मतलब मापने की इकाई की, कि हम उसको नापें किसमें, ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे आप दूध को लीटर में नापते हैं, दूरी को मीटर में नापते हैं, उस तरीके से हमारे बिल्डिंग में जो जो आइटम यूज़ हो रहा है उसको हम किसमें नापेंगे, आज हम यहाँ पर देखते हैं। तो बिल्डिंग में क्या क्या वर्क होता है, आप कहाँ से शुरुआत करते हैं बिल्डिंग की? जब एक घर बनता है तो कहाँ से शुरुआत होती है? नीचे मिट्टी से। अगर ये ग्राउंड लेवल है तो हमारी शुरुआत मिट्टी से ही होती है। तो हमारा पहला आइटम होता है अर्थवर्क। अर्थवर्क का मतलब है मिट्टी का कार्य। सबसे पहले कौन सा कार्य किया था घर बनाने में? मिट्टी का कार्य। ये जो मिट्टी का कार्य है अर्थवर्क, ये या तो आप खुदाई में करते हैं, किसमें करते हैं? खुदाई में मिट्टी को खोदा जाता है, या फिर कभी कभी ऐसी नीड भी पड़ती है कि आपका ग्राउंड लेवल बहुत नीचे होता है नेचुरल लेवल से, तो हम उसके ऊपर फिलिंग करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी की भरत, इसको बोलते हैं फिलिंग। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, अगर खुदाई है तो एक्सकेवेशन, और फिलिंग में भरत है तो अर्थवर्क इन फिलिंग। जब अर्थवर्क को लिया जाता है तो फिलिंग को अलग क्वांटिटी निकाली जाती है और एक्सकेवेशन की अलग क्वांटिटी निकाली जाती है। दोनों को सेपरेट रखा जाता है, एक में मीजर नहीं किया जाता है। अब इसके नापने की इकाई क्या होगी? मिट्टी को किसमें नापते हैं? आप जब बिल्डिंग में डालेंगे, मिट्टी का वर्क कर रहे हैं, उसको किसमें नापेंगे? आप सबसे पहले, अगर आप दीवार के लिए ही मिट्टी खोद रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप ये पूछेंगे सबसे पहले कि कितनी चौड़ी खोदनी है, कितनी गहरी खोदनी है, और कितनी लंबाई तक खोदना है, मतलब कि दीवार हमारी कितनी लंबी है। तो हम मिट्टी को कैसे खोदेंगे? लंबाई में, ऊंचाई में और चौड़ाई में। क्या हो गई ये? मीटर मीटर मीटर, मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई? क्यूबिक मीटर। अर्थवर्क की यूनिट क्यूबिक मीटर होती है, क्योंकि इसको लंबाई में, ऊंचाई में और चौड़ाई में खोदा जाता है। दूसरा क्या है आपका? कंक्रीट इन फाउंडेशन, मतलब कि नींव में कंक्रीट का कार्य। जब हम नींव रखते हैं इसके अंदर, जब इसके अंदर नींव डाली जाती है, तो नीचे एक कंक्रीट का बेस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कंक्रीट का बेस, जिसको जितनी लंबी नींव है उतने में डालेंगे, जितनी चौड़ी है उतने में डालते हैं, और इसकी हाइट, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट डाल रहे हो, अगर आप इसकी हाइट नहीं लोगे तो हमारा, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारी कंक्रीट कितनी डली है मोटाई में। इतनी मोटाई भी इतनी लंबाई तक बहुत इफेक्ट करती है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, मतलब क्यूबिक मीटर। अब थर्ड देखते हैं हमारा वर्ड क्या है? सोलिंग। सोलिंग क्या होता है? जब ये नींव की मिट्टी, ये नीचे की मिट्टी बहुत मुलायम या कमजोर हो, कैसी हो? मुलायम या कमजोर, तो अगर इस पर फाउंडेशन कंक्रीट की सीधे बेस रख देंगे तो ये धस जाएगी नीचे को। तो इसकी धसन को रोकने के लिए, ताकि इस कंक्रीट के बेस का वजन सह सके, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ कंक्रीट के पत्थर, गिट्टी या फिर ईंटों की लेयर बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी कंक्रीट नीचे मिट्टी का जो बेस है वो मजबूत हो जाता है, कंक्रीट का बेस इसके ऊपर रख दिया जाता है। तो ये सोलिंग किसमें निकाली जाती है? स्क्वायर मीटर में, मतलब हमने कितनी चौड़ाई में डाली और कितनी लंबाई में। इसकी मोटाई से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये गिट्टी है, गिट्टी को आप कितना भी डाल लीजिए, ईंट की एक परत बिछा रहे हैं तो हमें पता ही है उसका कोई मोटाई का मीन नहीं है। तो सोलिंग की यूनिट स्क्वायर मीटर होती है नापने की। अब फोर्थ देखते हैं हमारा डीपीसी। डीपीसी क्या होता है? डैम प्रूफ फोर्स। ये कहाँ डलती है? आपको पता होगी, आपने डीपीसी पढ़ी है, तो डीपीसी कहाँ डाली जाती है? नींव के प्लिंथ लेवल पर। कहाँ डाली जाती है? नींव के प्लिंथ लेवल पर। अगर आपकी ये नींव है तो डीपीसी हम कहाँ डालते हैं? यहां।
जहाँ से हमारा फर्स स्टार्ट होता है, जहाँ हमारा डोर होता है वहाँ पर हम क्या डालते हैं, डीपीसी। आप लोगों ने देखा होगा जब घर बना के भरत करके नींव करके छोड़ दी जाती है तो दीवार के ऊपर सीमेंट कंक्रीट की पतली सी फ्लोरिंग की जाती है चारों तरफ, जिसे क्या कहते हैं, डीपीसी। इसका रोल क्या होता है आपको पता ही है, नीचे की नमी को ऊपर जाने से रोकना और ऊपर की नमी को नीचे जाने से रोकना। ये डैम प्रूफ सीलन रोधी होती है। इसकी जो मात्रा है, एक बैग में आप 6.5 किलो डीपीसी मटेरियल डाल सकते हैं। जो सीलन रोधी पदार्थ आते हैं वो एक बैग सीमेंट में, सीमेंट के एक कंटे के अंदर कितना डाल सकता है, 6.5 किलो। और इसकी यूनिट क्या होगी ना अपने की, क्योंकि इसकी कोई मोटाई नहीं है, ये एक बहुत पतली लेयर है, तो इसको हम सिर्फ दीवार की लंबाई में और किस में डाल रहे हैं, इसको हम सिर्फ दीवार की लंबाई में और चौड़ाई में डाल रहे हैं, कोई थिकनेस नहीं है। इसकी थिकनेस कितनी ली जाती है डीपीसी, 2.5 सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम है। तो इसकी यूनिट होती है आपकी स्क्वायर मीटर। अब हम अपना फिर देखते हैं लिंटन। लिंटन क्या होता है, दरवाजे के ऊपर जो बेस डाला जाता है सीमेंट कंक्रीट का, उसको लिंटन कहते हैं। कहाँ डालता है ये, दरवाजे के ऊपर इस तरह से। इसको किसमें नापेंगे, सीमेंट कंक्रीट का है, मोटा है, चौड़ा है, और ये इस तरीके से होता है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्यूबिक मीटर में। अब हम आरसीसी को देखते हैं। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी का कार्य कहाँ कहाँ होता है, आप रूफ में, छत में करते हैं, फ्लोर में करते हैं, और कहाँ करते हैं, कॉलम में या फिर नींव में, इन सब जगहों पर आरसीसी का कार्य किया जाता है। तो आरसीसी की यूनिट क्या होगी, कुछ इस तरीके की होती है आपकी आरसीसी, मतलब क्यूबिक मीटर। अगर आरसीसी का कार्य है कहीं भी है तो उसको आप क्यूबिक मीटर में नापेंगे। अब लेते हैं शटरिंग। शटरिंग क्या होती है, जब आपका लेंटर पड़ता है तो आपने देखा होगा आपकी बल्ली और वो आती हैं प्लेटें, प्लेटें और बल्लियां लगाई जाती है लेंटर के नीचे सपोर्ट के लिए, जिसको क्या कहते हैं, शटरिंग। तो शटरिंग को हम किस में मंगाते हैं, आपसे ठेकेदार क्या पूछता है, कितना एरिया है भैया ये बता दो बस, मोटाई से मतलब नहीं है उसे, उसे किससे मतलब है, एरिया से, लंबाई और चौड़ाई से। तो शटरिंग हमारी किस में होती है, स्क्वायर मीटर में। आरसीसी छज्जा, छज्जा किसमें होगा, आरसीसी है मतलब क्यूबिक मीटर में। जो दरवाजों के बाहर जो छज्जे होते हैं या बड़ी बड़ी छतों के बाहर छज्जे निकाल दिए जाते हैं, उनको हम क्यूबिक मीटर में नापेंगे। अब देखते हैं ग्लेजिंग वर्क क्या है। ग्लेजिंग वर्क मतलब शीशे का कार्य है, आपकी खिड़की में शीशे लग रहा है, कोई भी डेकोरेशन का कार्य हो, शीशे लगाए जाते हैं, वो किस में लगाए जाते हैं, लंबाई और चौड़ाई में, मतलब कि इसकी यूनिट क्या है, स्क्वायर मीटर। कॉर्निस, कॉर्निस क्या होता है, कॉर्निस कभी आपने देखी है, जब आप अपनी छत की सीलिंग में जो छत होती है नीचे से देखने पे जो दिखती है, तो आप क्या करते हैं, उसके नीचे पीओपी लगवाते हैं या डिजाइन बनवाते हैं, तो कभी कभी उसके बॉर्डर पे, कमरे के बॉर्डर पे आप इस तरह की डिजाइन बनवा देते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निस। क्या बोलते हैं, कॉर्निस। इसका प्राइस जो आपका पीओपी करने वाला होता है वो अलग से लेता है कि इसका हमें अलग से चाहिएगा चार्ज, जो हमने बॉर्डर बनाया है इसका क्या होगा, ये सिर्फ लंबाई में चारों तरफ इस तरीके से जा रही है लंबाई, मतलब कि प्रति मीटर, ये किसमें है, प्रति मीटर में, रन मीटर में, इसकी सिर्फ लंबाई देखी जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई से कोई इसका मीन है ही नहीं, एक ही यूनिट है इसमें। अब कोपिंग देखते हैं, कोपिंग क्या होता है, सेम इसी तरीके से कई लोग पीओपी पे एक के बाद दूसरी लेयर इस तरीके से चढ़वा देते हैं, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है, इसे क्या कहते हैं, कोपिंग। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को इस तरीके से चढ़ाकर बनाना, ये किसमें होगी, प्रति मीटर, मतलब लंबाई में। जॉफरी वर्क क्या होता है, जाली का कार्य है, जब आपकी खिड़की और दरवाजों में जो जालियां लगती हैं वो किस पे लगती है, स्क्वायर मीटर, मतलब की लंबाई और चौड़ाई में, इसकी कोई मोटाई नहीं होती है जाली की, जॉफरी वर्क मतलब जाली का कार्य है। अब देखते हैं हाफ ब्रिक वॉल क्या है, इसकी यूनिट, ब्रिक वॉल मतलब ईंट की दीवार,
ईंट की दीवार होगी तो उसकी मोटाई भी होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, वो किसमें होगी? क्यूबिक मीटर में। पर यहाँ बात हो रही है हाफ ब्रिक वॉल की, आधी ईंट की दीवार की। जब पार्टीशन वॉल जो लगती है, आधी ईंट की दीवार है, वो इतनी पतली और इस तरीके से लगती है, इनकी मोटाई को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट स्कर्टिंग। स्कर्टिंग क्या होता है? ये सब चीजें आपके घरों में यूज होते हैं, सिर्फ ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको आपको पता होना जरूरी है। स्कर्टिंग आपका जो फर्श बनाया जाता है, आंगन आपने देखा होगा, आंगन में क्या करते हैं हम, जो दीवार लगी होती है साइड से, इसके पास जब फर्श किया जाता है तो थोड़ा सा दीवार तक ऊंचा किया जाता है, 1 फुट तक हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊंचा कर देते हैं प्लास्टर, या फिर यहाँ पर हम टाइल्स भी लगा देते हैं सजाने के लिए, जिससे क्या होता है फर्श का पानी जो होता है वो दीवारों तक नहीं जाता है। इस चीज को बोलते हैं स्कर्टिंग, जो फर्श से ऊपर थोड़ा सा दीवार के मोटाई तक प्लास्टर किया जाता है, दीवार पर थोड़ा सा 1 फुट तक, ये क्या होता है स्कर्टिंग। इसकी क्या होगी, लंबाई में जा रहा है प्रति मीटर। अब हमारी प्लास्टरिंग, जब हम पलस्तर करते हैं, पलस्तर किसमें करते हैं, दीवार के ऊपर जब पलस्तर किया जाता है तो पलस्तर की कोई मोटाई नहीं होती है। नॉर्मली पलस्तर जो है वो आपका 12 mm का रखा जाता है, कितना रखा जाता है 12 mm का। लेकिन अगर सिंगल कोट की बात करें पतले प्लास्टर की, तो हम 8 mm का पलस्तर भी कर सकते हैं। इसको नापेंगे किसमें, इसमें कितनी यूनिट दिख रही है आपको, 2, मतलब कि स्क्वायर मीटर। यूनिट वही है, सिर्फ आपको देखना है उसमें मेजरमेंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, कितना दिख रहा है, मोटाई है नहीं, मोटाई बहुत नेग्लेक्ट है 12 mm, तो इसको क्या हो गया स्क्वायर मीटर। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। जब आप घर बनाते हैं तो उसमें बिजली का सामान यूज होता है, स्विच यूज होते हैं, कितने पॉइंट लगेंगे, तो आप वो किसमें खरीद कर लाते हैं, 12 स्विच ले आना, इतने पॉइंट ले आना, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट। जो भी लाइटिंग का कार्य है वो किसमें होगा, नंबर ऑफ पॉइंट में, इसका कोई और नहीं वो है। ये देखते हैं 17वां, वाटर क्लोजेट। वाटर क्लोजेट क्या होता है, आपका कम्बोर्ड जो होता है वो, ये किसमें होगा, नंबर, 3 लाने, 2 लाने, 1 लाने, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सप्लाई ऑफ ब्रेक, ईंटों को आप किसमें मंगाते हैं, वजन में मंगाते हैं क्या, नहीं ना, किसमें मंगाते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक में। हमें 1000 ईंटें चाहिए, हमें 10,000 ईंटें चाहिए, मतलब कि ईंटों की संख्या के उससे। अब देखते हैं सप्लाई ऑफ सीमेंट, सीमेंट किसमें आता है, नंबर ऑफ बैग, इतने कट्टे, हमें इतने कट्टे चाहिए, इतने बैग चाहिए। डोर्स एंड विंडो, दरवाजे और खिड़कियाँ, दरवाजे और खिड़कियों की क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, तो ये किसमें होते हैं, स्क्वायर मीटर में। अब देखते हैं चौखट, दरवाजों के साथ एक चौखट लगी होती है इस तरह की, इसको आप किसमें नापेंगे, लकड़ी का कार्य है, चौखट है, तो चौखट की मोटाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों चीज देखी जाएगी, ये भी और ये भी, इसका मतलब चौखट किसमें होती है, क्यूबिक मीटर में। बस आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं रहना है, डोर स्क्वायर मीटर में है लेकिन दरवाजे की जो चौखट होती है वो क्यूबिक मीटर में होती है। नेक्स्ट आयरन वर्क, आयरन वर्क मतलब कि स्टील का जो भी आपका सामान आ रहा है, बार आ रही है, जो भी चीज़ आ रही है स्टील की, वो किसमें आती है, दरवाजे हुए लोहे के, किसमें खरीद कर लाते हैं, कुंटल में, 8 कुंटल का, 10 कुंटल का, 4 कुंटल का, ये हमारा कुंटल में आता है। वाइट वॉश एंड कलर, पुताई और सफेदी जो होती है वो किसमें करेंगे, जैसे कि प्लास्टर हम किस पे कर रहे थे, दीवार पर ऐसे और ऐसे दो में कर रहे थे, सेम ऐसे हम कलर करते हैं, इसका मतलब ये किस में है, स्क्वायर मीटर में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बाद टास्क वर्क एंड टर्न आउट क्या होता है। टास्क वर्क एंड टर्न आउट, अब हम देखते हैं टास्क वर्क एंड टर्न आउट क्या होता है। ये
छोटी सी डेफिनेशन है जो एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है, नॉर्मली छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती है, या फिर कभी कभी पूछा जाता है टास्क वर्क एंड टर्न आउट को डिफाइन कीजिए और इन इन आइटम्स के लिए कितना कितना पर पर्सन पर डे वर्क चाहिए। तो टास्क वर्क एंड टर्न आउट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी completed by a skilled person in a day, मतलब कि एक skilled व्यक्ति के द्वारा एक दिन में कार्य करने को, जो कार्य किया उसने, उसको क्या कहते हैं? टास्क वर्क एंड टर्न आउट। इसको हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं, एक दिन में प्रति कार्य करने की क्षमता प्रति व्यक्ति की प्रति कार्य करने की क्षमता को टास्क वर्क एंड टर्न आउट कहते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, वो क्या कहलाता है? टास्क वर्क एंड टर्न आउट। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। कार्य अगर हमारा ये हो, ब्रिक वर्क विद सीमेंट मोर्टार एंड फाउंडेशन, मतलब कि सीमेंट मसाले के साथ नीम में ईंट का कार्य। किसका कार्य? ईंट का कार्य। जब नीम में नीचे ईंट लगाई जाती है, चिनाई की जाती है, तो उसको एक व्यक्ति एक दिन में कितना कर सकता है? तो ये कर सकता है 1.25 क्यूबिक मीटर। मतलब कि अगर एक व्यक्ति ही कार्य कर रहा है तो नीव के अंदर वो 1.25 क्यूबिक मीटर की दीवार खड़ी कर सकता है। दूसरा देखते हैं, डिस्टेंपर वन कोट। अगर एक पर्सन आपके घर में डिस्टेंपर कर रहा है तो एक दिन में उसकी कैपेसिटी 35 स्क्वायर मीटर की होती है। कितना कर सकता है वो? 35 स्क्वायर मीटर। ये आपको पता होगा, तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग होते हैं जो वर्कर होते हैं आपको इससे कम काम देते हैं, लेकिन आपको कैपेसिटी पता है तो आप इतना काम एक दिन में ले सकते हैं। एक्सकेवेशन इन सोइल, अगर मिट्टी की खुदाई हो रही है तो मिट्टी की खुदाई हम एक दिन में कितनी करवा सकते हैं एक व्यक्ति से? 3 क्यूबिक मीटर। इससे ज़्यादा हम उस व्यक्ति से नहीं खुदवा सकते, उसकी कैपेसिटी इतनी ही है। हाफ ब्रिक और पार्टीशन वॉल, अगर आधी ईंट की दीवार है या फिर पार्टीशन वॉल है कोई, तो उसको कितना कर सकता है कोई? 5 स्क्वायर मीटर। 12 mm का प्लास्टर हो सीमेंट मसाले का तो कितना हो सकता है एक दिन में? 8 स्क्वायर मीटर। RCC वर्क, RCC का कार्य है तो आप 3.25 क्यूबिक मीटर का ही कार्य एक व्यक्ति से एक दिन में करवा सकते हैं। 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, क्या है सीमेंट कंक्रीट फ्लोर, ये कितना हो सकता है? 7.5 स्क्वायर मीटर। कितना? 7.5 स्क्वायर मीटर। लाइन कंक्रीट की बात करें इन फाउंडेशन, नीम में अगर चूना कंक्रीट डली है तो, अगर नीम में चूना कंक्रीट डली है तो 8.5 क्यूबिक मीटर। लाइन कंक्रीट इन रूफ, छत में चूना कंक्रीट तो क्या होगी? 6.5 क्यूबिक मीटर। सीमेंट कंक्रीट 1, 2, 4, अगर सीमेंट कंक्रीट है 1, 2, 4 मसाले की, तो इसको आप 5 स्क्वायर मीटर तक करा सकते हैं। ये वर्क है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि एक दिन में इतना कार्य कितना कार्य कर सकता है इस चीज़ का, या फिर टास्क वर्क एंड टर्न आउट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि टास्क वर्क एंड टर्न आउट क्या होता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रति व्यक्ति कार्य करने की क्षमता को टास्क वर्क एंड टर्न आउट कहते हैं। अब हम देखते हैं फिर चार्जेस, जब हम एस्टीमेट बनाते हैं और उसकी कॉस्ट निकालते हैं तो हमें कुछ चार्जेस ऐड करने होते हैं। तो कौन कौन से चार्जेस हमें ऐड करने होते हैं और कौन कौन से चार्ज एस्टीमेट में लगते हैं?
यूज्ड इन एस्टीमेट. पहला जो आपका चार्ज होता है ये होता है कंटेंजेंसीज. कंटेंजेंसीज ये क्या होता है? कंटेंजेंसीज चार्ज जो होता है लगता कितना है? आप जब बिल बनाएंगे तो 3-5% कंटेंजेंसीज चार्ज लेंगे. क्या लेंगे? 3-5% कंटेंजेंसी चार्ज. कंटेंजेंसीज क्या होता है? ये जब हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो ना दिखने वाला खर्चा. कैसा खर्चा? जो हमें दिखाई नहीं देता है, अनफोर्सिन चार्जेस. ये अनफोर्सिन चार्जेस होते हैं, ना दिखने वाला खर्चा होता है. कभी कभी आपका ऐसा खर्चा होता है जो आपको पता ही नहीं चला कि ये हुआ भी था कि नहीं. जैसे कुछ भी आपने एक्स्ट्रा आइटम मंगाया या फिर कोई ऑफिसर आ गया तो आप कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं, कुछ भी मंगा रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे होते रहते हैं, या फिर आप कह लो कि आपके चेक करने आ गया, आपने ऊपर से मोटी रकम खिसका दी, तो वो सब किस में जाता है? कंटेंजेंसीज में, एक्स्ट्रा चार्जेस में. इसके बाद होता है आपका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट. वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट ये जो खर्चा है आप अपने बिल में 1.5-2% तक ऐड करते हैं. बिल में टोटल कॉस्ट का कितना करते हैं? 1.5-2%. ये होता क्या है? वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट. जब आपका कोई प्रोजेक्ट है, फील्ड है जहाँ पर वर्क चल रहा है, वहाँ पर इंजीनियर्स होते हैं, सब होते हैं, उसके साथ आप कुछ सुपरवाइजर भी रखते हैं. क्या रखते हैं? सुपरवाइजर, चौकीदार भी रखते हैं. सेफ्टी के लिए नाइट में एक चौकीदार की भी आवश्यकता पड़ेगी. हो सकता है एक की पड़े, दो की पड़े, चार की पड़े, जितना भी बड़ा आपका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग. तो इन सबको जो सैलरी दी जाती है कहाँ से दी जाती है? वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में से. सुपरवाइजर चौकीदार की जो सैलरी होती है वो एक, ये जो 1.5-2% है टोटल कॉस्ट का, इसमें से दी जाती है इन सबको. इसको क्या कहते हैं? वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट. तो बिल में हम इसको भी ऐड करते हैं क्योंकि हमें कोई ना कोई चौकीदार सुपरवाइजर रखना ही होता है अपने फील्ड पर. तीसरा आपका होता है वाटर चार्ज. वाटर चार्ज क्या है? ये 1.5% रखा जाता है टोटल कॉस्ट का. कितना रखा जाता है? 1.5%. आपकी सीमेंट कंक्रीट का काम हो रहा है, उसमें आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए. पानी के टैंकर आएंगे तो इन सबका कॉस्ट कौन देगा? ये जो पानी के टैंकर आ रहे हैं तो आप इन सबको किस में लगाते हैं? वाटर चार्ज में. जो भी काम हो रहा है, चाहे तराई का हो, पानी के टैंकर लगे, सीमेंट कंक्रीट मसाला बनाने का हो, वो सब आप 1.5% में रखते हैं टोटल कॉस्ट के में. फोर्थ होता है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन. एंड सैनिटरी ये क्या है? आप प्रोजेक्ट फील्ड पर आपको लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी. आप कहीं से लाइटिंग लेकर आएंगे या फिर मशीनों को चलाने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है. सैनिटरी भी होती है, पानी आपका कहाँ से जा रहा है, नालियाँ वगैरह आपको कुछ टाइम के लिए टेम्पोरेरी बनानी पड़ती हैं. तो इन सब का खर्चा कहाँ से होता है? इलेक्ट्रिफिकेशन इसका होता है 20%. आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें लाइट वगैरह लगेगी, सैनिटरी लगेगी, तो वो सब खर्चा इसमें आता है. अगर इन दोनों को साथ में ऐड किया जाता है तो 20% दिया जाता है. अगर इनको आप अलग से ले रहे हैं तो ये 8% टोटल का और ये 8%. नेक्स्ट आपका चार्ज होता है पांचवा, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट. जो ठेकेदार आपका प्रोजेक्ट बना रहा है वो भी तो कुछ प्रॉफिट लेगा, वो भी तो कुछ परसेंट लेगा. तो ये कितना होता है ठेकेदार का परसेंट? 10%, जो कि आपको उसमें ऐड करना होता है. एक ठेकेदार का प्रॉफिट 10% होता है. अब एक और कॉस्ट देखते हैं जो जुड़ती है. ये सब आपको अपने बिल में लगाने होंगे चार्जेस. जो भी आपका जो क्वांटिटी निकल आएगी उसका बिल निकल आएगा, उसके बाद ये एक्स्ट्रा चार्जेस है जो हमें अपने एस्टीमेट में ऐड करने होते हैं. अब दूसरा देखते हैं, एक और कॉस्ट होती है ओवरहेड कॉस्ट. ये नॉर्मली आपको बहुत जगह सुनने को मिल जाएगी.
एग्जाम में, कंपटीशन में, किसी भी चीज में। ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? ये नॉर्मली ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं। इसका मतलब जो ऑफिस वर्क है, जहां ऑफिस बन रहा है उसमें जो खर्चा आ रहा है, चाहे वो टैक्स हो, रेंट हो, कोई भी चीज हो, जो ऑफिसियली है वो सब खर्च किसमें आता है? ओवरहेड कॉस्ट में। ओवरहेड कॉस्ट में ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है आपकी ओवरहेड कॉस्ट, जनरल ओवरहेड, दूसरी होती है जॉब ओवरहेड। ओवरहेड कॉस्ट क्या है? ये दो तरीके की होती है, जनरल ओवरहेड और जॉब ओवरहेड। जनरल ओवरहेड में क्या क्या आता है? जनरल ओवरहेड में आता है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस स्टाफ, दूसरा आपका क्या होगा स्टेशनरी, पोस्टेज, इन सब का खर्चा, रेंट, टैक्स, इनके खर्चे। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड टेलीफोन। मतलब कि जनरल ओवरहेड क्या है? ओवरहेड कॉस्ट तो ये दोनों ही कॉस्ट है, लेकिन जनरल ओवरहेड कॉस्ट में आपकी कौन कौन सी कॉस्ट आती है? जो आप ऑफिस में क्या, आप एक वाटर बॉय रखेंगे, प्योन रखेंगे, क्लीनिंग बॉय रखेंगे, तो जो ऑफिस स्टाफ जो बनाया जाता है, जो इस्टेब्लिश किया जाता है, उसकी जो कॉस्ट है वो किसमें इंक्लूड होती है? ओवरहेड कॉस्ट में, ऑफिस स्टाफ की। इसमें आपके वर्कर्स नहीं है, ये सिर्फ ऑफिस स्टाफ है जो ऑफिस में रहता है। स्टेशनरी, हमें ऑफिस में क्या क्या जरूरत होती है? कागज, पेन, कॉपी, या फिर हमारे वहाँ पर जब हम वर्क करते हैं तो हमें रजिस्टरों की जरूरत पड़ती है जिसमें हम लेखा जोखा रखते हैं, तो वो सब किसमें आएगा आपका? स्टेशनरी में, जिसका चार्जेस कहाँ से कटेगा? ओवरहेड से। आप घर से तो अपने पेन पेंसिल लेकर नहीं आएंगे, ना ही अपना लेखा जोखा रखने के लिए किताबें लेके आएंगे, रजिस्टर लेके आएंगे, वो सब आपको ऑफिस से मिलेगा ओवरहेड कॉस्ट में से। पोस्टेज, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पोस्ट करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो उनके भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप यहाँ जोड़ देते हैं ओवरहेड के अंदर। रेंट और टैक्स, टैक्सेस जो होते हैं, आपने जगह किराए पर ली है, जहाँ पर अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया है, तो उस जगह का किराया कौन देगा? वहाँ किराया जो होगा या फिर टैक्सेस जो होते हैं, जितने भी कर जा रहे हैं आपके, वो सब कहाँ से जा रहे हैं? ओवरहेड कॉस्ट से। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर आपको आवश्यकता पड़ गई, किसी को आपने दूसरी जगह भेजा है अदर वर्क के लिए, तो उसका ट्रैवलिंग जो खर्चा है वो सब खर्चा आप ओवरहेड कॉस्ट में से उसको देंगे। या फिर टेलीफोन का खर्चा, जो भी मोबाइल चार्जेस होते हैं, वो सब, उन सबका खर्चा भी हमें ओवरहेड कॉस्ट से मिलता है। अब जॉब ओवरहेड देखते हैं, ये क्या होता है, इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं? ये सब आप जब भी खर्चा, आप अगर प्रोजेक्ट फील्ड पर हैं, आप खर्चा दे रहे हैं, तो आपको अपने खर्चों को अलग अलग सेपरेट रखना होगा कि ये जनरल ओवरहेड का खर्चा है, कि ये जॉब ओवरहेड का खर्चा है, या फिर ये ओवरहेड का है या वर्क चार्ज का है। कंटेंजेंसीज में पैसा हर कोई खर्च करता है, लेकिन उसका आप लेखा जोखा कहाँ दिखाएंगे? तो ये लेखा जोखा दिखाने के तरीके होते हैं कि हम यहाँ पर हमारा पैसा खर्च हुआ, कि यहाँ खर्च हुआ, कि यहाँ खर्च हुआ। तो जॉब ओवरहेड में क्या आता है? हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। जब आप फील्ड पर हैं, आपकी सामग्री पड़ी है, सीमेंट पड़ा है, गिट्टी पड़ी है, बालू पड़ी है, तो उनको जो हैंडलिंग में जो खर्चा आ रहा है, उनको रख रखाव में, वो सब खर्चा कहाँ होता है? जॉब ओवरहेड में। या फिर होता है एमिनिटीज ऑफ वर्कर्स, ये क्या होती हैं?
आपके फील्ड में बहुत से वर्कर वर्क कर रहे होते हैं, 100-200, वो कई महीनों के लिए रहते हैं, 2-3 महीने आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो क्या है 2-3 महीने तक उस फील्ड में रहते हैं, तो उनके लिए कई कई जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वहीं पर उनके बच्चों के लिए सुविधाएँ कर देते हैं, स्कूल की सुविधा या खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, लाइटिंग की सुविधा, वो सब सुविधाएँ जो होती हैं जो अपने मजदूरों को दी जाती है, प्रोजेक्ट कंपनी देती है, वो एमिनिटीज ऑफ वर्कर्स जो होती है वो कहाँ आती है, जॉब ओवरहेड में, या फिर थर्ड होता है आपका कंपनसेशन। कंपनसेशन देने की आपको आवश्यकता कब पड़ेगी, अगर आपका कोई मजदूर या वर्कर है वो घायल हो गया एक्सीडेंटली फील्ड पर, तो आपको उसको इंश्योरेंस कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो कि जॉब ओवरहेड कॉस्ट में से ही निकाला जाता है कंपनसेशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये जॉब ओवरहेड कॉस्ट की हैं, ये लिया कितना जाता है टोटल का, 5-10%। टोटल जो आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, चाहे 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, उसका जो 10% है वो ओवरहेड कॉस्ट में रखा जाएगा, और इसी खर्चे में से इन खर्चों को आपको मैनेज करना होगा, चाहे वो ये खर्चे हो चाहे वो ये खर्चे हो। तो ये कुछ चार्जेस होते हैं जो हमें प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ती है अपने में लगाने की, क्योंकि कोई पैसा घर से नहीं लेकर लगाएगा। अब जरा एस्टीमेट बनाना सीखते हैं कि एस्टीमेट को बनाते कैसे हैं। चार्जेस तो हम देख ही रहे हैं साथ के साथ। हम अब देखते हैं अपना डिटेल एस्टीमेट बनाना। क्या देखते हैं? डिटेल एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। हम अपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं डिटेल एस्टीमेट क्या होता है, जिसमें डिटेल ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन सब कुछ इंक्लूड होते हैं, और एक बिल्डिंग में यूज होने वाली छोटे छोटे आइटमों को भी उनको इंक्लूड करके उनकी क्वांटिटी निकाली जाती है। तो डिटेल एस्टीमेट में हम दो मेथड होते हैं दो चीज़ों को निकालते हैं। पहला हम निकालते हैं डिटेल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। डिटेल एस्टीमेट निकालने के लिए आपको ये दो चीजें निकालनी है। पहला निकालना है क्वांटिटी की मात्रा। क्या निकालनी है? मात्रा। इसके लिए जो टेबल बनती है, इसको निकालने के लिए एक टेबल बनती है, इसमें पहला कॉलम होता है आपका सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर, या फिर इसको बोल देते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। ये टेबल आपको रिमेम्बर रखनी है, कभी भी एस्टीमेट आप कैसे भी बनाएंगे तो इसी टेबल में बनता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। थर्ड कॉलम होगा आपका नंबर का, मतलब कि आइटम कितने नंबर हैं। फिर इसके बाद बनता है आपका डिटेल मेजरमेंट। क्या है आपकी डिटेल मेजरमेंट? किसी भी चीज को मापने की इकाइयां कितनी होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। किसमें लेंगे हम? मीटर में। मीटर में अब इसको बी या डब्ल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, हाइट या डेप्थ, आते की है ऊंचाई या गहराई, किसमें? मीटर में। यह आपका डिटेल मेजरमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप निकालेंगे क्वांटिटी, आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी आई। फिर टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। नेक्स्ट अगर कोई रिमार्क होता है तो रिमार्क। ये इस तरीके से आपका डिटेल मेजरमेंट निकालने का टेबल है, जिससे आप अपना डिटेल मेजरमेंट ज्ञात करेंगे। दूसरा, हमें जब ये ज्ञात हो जाएगा इसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालेंगे।
इसको लर्न नहीं करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल निकालेंगे ये टेबल आपको खुद लर्न हो जाएगी, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। या तो आप इसको पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम दोनों बोल सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं डिटेल मेजरमेंट, जब हमें मात्रा पता चल जाएगी तो हम क्या पता करेंगे उसकी कॉस्ट, कि कॉस्ट कितनी आ रही है। तो दूसरा निकालते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल एस्टीमेट, इसको निकालने का जो टेबल होता है वो आपका ये होता है। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नेक्स्ट इसमें होती है यूनिट, फिर आपकी क्वांटिटी, इसके बाद इस क्वांटिटी के लिए रेट पर यूनिट, कॉस्ट अमाउंट एंड रिमार्क। ये तो आपके बिल्डिंग में यूज होने वाले आइटमों की मात्रा निकालने का टेबल है, कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा आइटम कितना यूज हुआ है क्यूबिक मीटर स्क्वायर मीटर में उसमें। और ये क्या है, जब आपकी जो मात्राएं पता चल जाएंगी तो उन मात्राओं की कॉस्ट निकालने की टेबल, की कॉस्ट कैसे निकलेगी। तो ये डिटेल एस्टिमेट निकालने के दो मेथड है, पहला मेथड दूसरा मेथड। अब हम देखते हैं हम अपनी किसी बिल्डिंग का एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपकी बिल्डिंग में नॉर्मली देखा जाए जो यूज होने वाली चीज है, जो आप पहली एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं कि चलो अंदाजा लगाते हैं कितनी ईंट लगेंगी। तो ईंटों का पता कैसे लगाते हैं कि कितनी ईंटें लगेंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स। अगर आपसे कहा जाए ईंटों का पता लगाइए, नंबर ऑफ ब्रिक्स, आप कैसे पता करेंगे। देख लीजिए, अगर आपकी कोई दीवार है इस तरह की 3 मीटर लंबी, 2 मीटर ऊंची, एक ईंट की दीवार है जो 3 मीटर लंबी और 2 मीटर ऊंची है, कैसी है ये, एक ईंट की। तो हमें पता करना है इस दीवार में कितनी ईंटें लगी हुई हैं टोटल। तो वो हम कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स पता करने का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो आपके ब्रिक का साइज क्या होता है, अब ब्रिक का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। एक ब्रिक का साइज आपको पता है क्या होता है, ब्रिक का साइज आप पढ़ ही चुके हैं कितना होता है, 19 सेंटीमीटर इंटू में 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ये जो हमारी दीवार है इसमें अगर ईंटें लगी हुई है इस तरीके से, तो इन ईंटों के साथ आप देखेंगे मसाला भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मसाला। अगर ये ईंट 19 सेंटीमीटर की थी तो इसमें मसाला भी साथ में और इंक्लूड हो गया। तो हम जब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे तो हमारा मसाला भी साथ में ऐड होगा, तो हम इसको क्या कर लेंगे, मसाले सहित ईंट का साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये जो साइज है ये मसाले सहित है और ये खाली ईंट का साइज है, तो हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कौन सा लेंगे, मसाले वाला। कितना हो गया ये, सेंटीमीटर को आप मीटर में बना लीजिए, 0.20 इंटू में 0.10 इंटू में 0.10 बराबर 0.002 मीटर क्यों, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल देखते हैं, इस दीवार का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ
वॉल कितना है? 3 मीटर लंबी है, 2 मीटर ऊंची है, चौड़ाई कितनी है इसकी? 1 ईंट के बराबर। 1 ईंट की चौड़ाई ये कितनी थी? ये वाली 20 सेंटीमीटर। तो ये कितनी हो गई हमारी? 0.20। ये बराबर आ गया आपका 1.2 मीटर। हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल बट्टे में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आ गया? 1.2। एक ब्रिक का कितना है? 0.002। इसको जब आप डिवाइडेड करेंगे तो ये आ जाएंगी 600। मतलब कि आपकी इस दीवार में 600 ईंटें लगी हैं, 600 नंबर ब्रिक। तो ईंटों की संख्या कैसे पता करते हैं? वॉल्यूम ऑफ वन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। और इस तरीके से आप निकाल के पता कर सकते हैं। अगर यही वॉल्यूम की बात करें तो ये जो आपका वॉल का वॉल्यूम है, बात करें 1 क्यूबिक मीटर की, कितने की? आपका इस तरीके से 1 क्यूबिक मीटर है। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। 1 क्यूबिक मीटर दीवार में कितनी ईंटें होंगी? 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें होती हैं? तो फॉर्मूला आपका यही है, ब्रिक का यही है। वॉल्यूम की, वॉल की बात करते हैं 1 क्यूबिक मीटर की, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल 1 मीटर इंटू में 1 मीटर इंटू में 1 मीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। यहाँ पर रखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना? 1 पट्टे में। ब्रिक का साइज तो वही है, इसका 0.002। ये बराबर कितना आ गया? 500 नंबर। ये इसलिए बताया कि आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें होती हैं। कितनी ब्रिक होती हैं? 500। ये आपको हर तरीके से, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में रहना चाहते हैं तो घोट कर पीनी पड़ेगी कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ईंटें होती हैं। वैसे नॉर्मली अगर मीटर चेंज होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल, तो आप इस फॉर्मूले से वॉल का वॉल्यूम निकाल के नीचे ब्रिक का रख के डिवाइड करके नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एस्टीमेट की। सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। हमारी बिल्डिंग में नॉर्मली शुरुआत किस चीज़ से होती है? फाउंडेशन से। आपने क्या लिख लिया? फाउंडेशन। कैसी होती है फाउंडेशन? फाउंडेशन तो आप अपने बिल्डिंग ड्राइंग में खूबी जानते हैं, फाउंडेशन कैसी होती है कैसी नहीं? अगर हमारी इस तरीके की फाउंडेशन है, सबसे पहले कोई भी दीवार बनाने के लिए आपको नींव बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये फाउंडेशन है जिसकी चौड़ाई 1 मीटर, कंक्रीट ब्लॉक, ये क्या है आपका? कंक्रीट ब्लॉक 1 मीटर का, इसके ऊपर का स्टेप आपका 80, ये आपको एक वॉल दी गई है, इसका आपको एस्टीमेट निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक वॉल है 3 मीटर ऊंची, जिसकी नींव ये नीचे दिखाई गई है इस तरीके से है। और ये लंबाई में अगर हम बात करें तो लंबाई में किस तरीके से है, कैसे होती है हमारी दीवार? ये कुछ इस तरीके की होगी, ये 5 मीटर लंबी है। कैसी है? 5 मीटर लंबी। जब हम अपनी फाउंडेशन को देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके की होती है, जो हमें सामने से फ्रंट में दिखने पर ऐसी दिखती है। स्टेप इस तरीके से रखे हुए हैं,
अगर आप इसका 3D देखें तो ये हमारी फाउंडेशन है 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची दीवार है जिसका हमें एस्टीमेट निकालना है नींव साइज। तो हम इसका एस्टीमेट कैसे निकालेंगे, तो आप देखते हैं इसका एस्टीमेट निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, डिटेल्ड एस्टीमेट मेजरमेंट। क्वांटिटी इसके लिए हमारा टेबल क्या था, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर नंबर, हम इतना देखते हैं फिर आगे का देखते हैं। अब हम अपनी नींव को देखते हैं, तो सबसे पहला कार्य हमारा क्या होगा, जो ये ग्राउंड लेवल है इससे सबसे पहले हमारा कार्य क्या है, इस नींव की खुदाई करना। मतलब कि हमने क्या किया, मिट्टी को खोदा, कितना खोदा, 1st कार्य मिट्टी खुदाई का। अब मिट्टी खुदाई कैसे करेंगे, जितनी चौड़ी मिट्टी है नींव है और कितनी गहरी है ये देखी जाएगी। तो हमारा पहला आइटम क्या होगा, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। इन फाउंडेशन नीम में मिट्टी खुदाई का कार्य। कितने नंबर दीवार है, एक ही दीवार है, मतलब कि नंबर कितना है, एक। अगर 4 दीवारें होती, 3 दीवारें होती तो उसी अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर नंबर फिल हो जाता। अब इसकी लेंथ देखते हैं, लंबाई कितनी है दीवार की, कितनी लंबी दीवार है, 5 मीटर, ये हमारा 5 मीटर है। चौड़ाई कितनी है, बी, यहां से यहां तक की, मतलब 1 मीटर। हाइट कितनी है, टोटल हाइट देखनी है अब हमें, तो टोटल हाइट हम कैसे पता करेंगे नींव की, इन ब्लॉक्स की हाइट को जोड़कर, 30, 20, 50, 70 और 30, 1 मीटर। मतलब कि 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी हमारी नींव खोदी गई। तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन फाउंडेशन कितना है, इस तरीके से। अब दूसरा अपना देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया, सीमेंट कंक्रीट का बेस, ये क्या है हमारा, सीसी फ्लोरिंग है, सीमेंट कंक्रीट का बेस डाला। तो सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट इन फाउंडेशन किस मोर्टार की डाली है हमने, 1, 1.5, 3 की। अब ये कितने नंबर है, 1 नंबर। कितनी लंबाई तक है, इसकी लंबाई वही 5 मीटर ही वाली। चौड़ाई कितनी है, जितनी चौड़ी नींव थी उतना ही चौड़ा हमने नीचे सीमेंट कंक्रीट का बेस डाला था, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी हो गई, 1 मीटर। पर अब गहराई देखें तो क्या हमने 1 मीटर गहरी कंक्रीट डाली है, नहीं ना। तो हमारी कंक्रीट की मोटाई कितनी है, ये कितना मोटा डाला है हमने, 30 सेंटीमीटर का। तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, कितना हो गया, 0.30। अब दूसरा वर्ग देखते हैं, कंक्रीट डालने के बाद हमारी क्या स्टार्ट हो गई, चिनाई। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क। और ये चिनाई किस में हो रही है, अभी मिट्टी के नीचे, मतलब कि नींव में। तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब नींव में भी जब चिनाई को हम देख रहे हैं तो इसके मेजरमेंट अलग है, इसकी चौड़ाई अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, मतलब कि हम अलग अलग गणना करेंगे।
तो अलग अलग करने में पहले हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। ये क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट फुटिंग। पहले पैडे को देखते हैं, पहले पैडे में क्या लंबाई, कितनी लंबाई तक की होगी, वही 5 मीटर तक, क्योंकि दीवार तो हमें पूरी 5 मीटर तक चाहिए। ये नंबर एक है, एक ही दीवार है, 5 इसकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है इसकी, यहां से यहां तक, मतलब 0.80। एस्टीमेट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिगर दिया हुआ, सिर्फ आपको फिगर को देखते चलना है और अपनी कैलकुलेशन निकालते चलना है। सबसे इजी सब्जेक्ट है एस्टीमेट, क्योंकि आपके पास सब कुछ दिया होता है वहीं की वहीं, सिर्फ आपको अपनी नजरों को एस्टीमेट के ड्राइंग पर रखना है, जो आपकी डिटेल ड्राइंग है। तो ये क्या है आपकी चौड़ाई 0.80। अब इसकी गहराई देखो, 0.80 की गहराई कितनी है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक। सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज कर लिया, 0.20 हो गया। अब हमारा थर्ड यूनिट, थर्ड सेकंड स्टेप पर चलते हैं, सेकंड फुटिंग। सेकंड फुटिंग नंबर एक है, लंबाई 5 मीटर रहेगी दीवार की। अब इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 0.60, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 0.20। अब नीब को और देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पर। अब आप देखेंगे ये हमारा क्या होता है, क्या होती है हमारी प्लिंथ, कुर्सी तल। तो कुर्सी तल जो है ये ग्राउंड लेवल से नीचे है जीएल से, और ये जीएल से ऊपर है। तो हम देखेंगे प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल वो भी क्या, फर्स्ट अप टू जीएल ब्रिक वर्क इन प्लिंथ लेवल अप टू जीएल, मतलब कि जीएल तक, ग्राउंड लेवल तक प्लिंथ लेवल में ईट चिनाई का कार्य है, इतना कार्य है। हम कितना देख रहे हैं, इतना, इससे अभी हम देख रहे हैं। तो ये क्या है हमारा, लंबाई कितनी है, एक दीवार है 5 मीटर लंबी है, और इसकी चौड़ाई कितनी है 40, मतलब 0.40, और गहराई कितनी है इसकी 30, मतलब 0.30। ये कितना आ गया, 0.30। अब हम अपना जीएल से ऊपर, ग्राउंड लेवल से ऊपर की प्लिंथ लेवल की चिनाई देखते हैं। हमारे मेन स्ट्रक्चर तो भी यहां से स्टार्ट होगा, अभी हम फाउंडेशन ही देख रहे हैं, यहां तक हमारी फाउंडेशन होती है। तो ब्रिक वर्क इन इन प्लिंथ अबव जीएल, जीएल के ऊपर कितनी चिनाई है हमारी, एक दीवार 5 मीटर लंबी है, चौड़ाई इसकी 0.40 ही है ये वाली। अब इसकी जो ऊंचाई, प्लिंथ लेवल हमारा कितना माना जाता है, 12 से 60 सेंटीमीटर नॉर्मली हम अपना प्लिंथ लेवल देते हैं, तो हमने इसको कितना मान लिया, 0.60। तो इस तरीके से हमारी फाउंडेशन हो गई नीचे की, क्या हो गई, फाउंडेशन। अब हम चलते हैं अपने सुपर स्ट्रक्चर पर, हमारा कितना रह गया ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर। पहले बोर्ड की कमी से हम इसकी टोटल क्वांटिटी और क्वांटिटी निकाल देते हैं, इतना ही, फिर आगे की अलग से देखते हैं। क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी एंड रिमार्क, आपकी क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी इनकी कितनी आई है। तो हमारी कैलकुलेशन करने पर ये क्वांटिटी आ गई, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी हमने क्या किया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 5 × 5 यहाँ 5 आ गई। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करते चलना है और आपकी क्वांटिटी यहाँ आती जाएंगी। अब टोटल क्वांटिटी कितनी, अर्थवर्क की कितनी है, अर्थवर्क एक ही हुआ था, इसका मतलब 5 क्यूबिक मीटर। पर अब आप देखेंगे आपकी सीमेंट कंक्रीट की भी इतनी आ गई, 1.5 क्यूबिक मीटर। लेकिन ये जो ब्रिक वर्क है, इसको हमने कैसे किया है, स्टेप्स में, इन स्टेप्स में।
इसका मतलब ईंट की चिनाई का कार्य तो एक ही है, चाहे वो स्टेप में हो चाहे किसी में हो। तो हम क्या करेंगे, इन क्वांटिटीज को टोटल कर लेंगे। और ये टोटल क्वांटिटी कितनी आई आपकी, 3.2 क्यूबिक मीटर। इस तरीके से हमारा ये, हम नींव तक पहुंच गए। अब हम अपना सुपर स्ट्रक्चर देखते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो अब हम कहां तक पहुंच गए, अपना नींव तक, प्लिंथ लेवल तक हमने ईंट की चिनाई कर ली। अब हम अपना देखते हैं डीपीसी। अब हमारा स्टेप क्या आएगा डीपीसी का, तो हमारा फोर्थ पॉइंट है 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी इन फाउंडेशन। हमारी डीपीसी कितने की पड़ी हुई है, 2.5 सेंटीमीटर की। तो अब हम देखते हैं हमारी डीपीसी, एक दीवार है, नंबर कितना है, एक। लंबाई कितनी, पूरी दीवार की लंबाई तक ही तो डीपीसी पड़ी होगी, जितनी लंबी है दीवार जा रही है वहां तक हमारा सीमेंट का फ्लोरिंग हो रही होगी डीपीसी की। तो लेंथ कितनी है, 5 मीटर। ये हमें कहां से पता चला, फिगर से अपने से। उसके बाद हम चौड़ाई देखते हैं, डीपीसी कितनी चौड़ी दीवार पर पड़ी हुई है। ये इस चीज को याद रखिएगा, डीपीसी आपके ऊपर 30 सेंटीमीटर की दीवार है, जहां से आपका सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। बट जो डीपीसी होती है वो इससे पड़ती है, जो आपकी नींव की दीवार लास्ट होती है उसके पूरे ऊपर पर पड़ती है, मतलब कि 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.40 मीटर। डीपीसी हमारी यूनिट क्या होती है, डीपीसी की देखिए हमारी यूनिट्स की हमें यहाँ जरूरत पड़ती है कि हमें यूनिट पता है स्क्वायर मीटर होती है, मतलब उसकी हाइट नहीं है। तो अगर ये 2.5 सेंटीमीटर है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसमें हाइट नहीं होती। तो यहाँ पर इसकी ये आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। अब हमारा क्या स्टार्ट होगा, ब्रिक वर्क चिनाई, कहाँ पर, सुपर स्ट्रक्चर में, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। एक नंबर दीवार, 5 मीटर लंबी दीवार, कितनी चौड़ी है ये सुपर स्ट्रक्चर की, 30 सेंटीमीटर। जो हमारी मेन दीवार है वो ये है सुपर स्ट्रक्चर की, जो कि 30 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब इसमें हाइट है, बिल्कुल है, कितना दिया हमें, 3 मीटर, 3 मीटर इसकी हाइट दी गई है। अब जब आप ब्रिक वर्क चिनाई कर ली, चिनाई के बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, उस पर प्लास्टर। तो अब इस पर प्लास्टर करते हैं, क्योंकि हमें पूरी दीवार तैयार करके देनी है, फुल फिनिश एक दीवार। तो प्लास्टरिंग, प्लास्टर भी दो स्टेप में किया जाता है। कैसे, आप अंदर अलग करेंगे और बाहर अलग करेंगे। तो पहले अंदर वाली दीवार का देखते हैं, प्लास्टर 12 mm थिक, कितने mm का थिक है, 12 mm थिक, 1:6 मोर्टार। पहले देखते हैं इनसाइड वॉल, मतलब कि अंदर की, घर की अंदर की दीवार पर प्लास्टर, जो अंदर वाली दीवार है उसका प्लास्टर कितना होगा। प्लास्टर कैसे होता है, ऊंचाई में होगा और उसकी चौड़ाई में होगा। तो लंबाई कितनी है उसकी, 5 मीटर लंबाई तक प्लास्टर होगा। चौड़ाई है क्या इसकी, यहाँ मोटाई से तो हमें कोई मतलब है नहीं, दीवार के सिर्फ फेस फेस पर किया जाता है, मतलब ये अगर ये बोर्ड है तो इसके यहाँ और यहाँ किया जाएगा, मतलब इसमें चौड़ाई नहीं है तो हम उसको डैश कर देंगे। और हाइट कितनी है इसकी, 3 मीटर। ये हमारा इनसाइड प्लास्टर आ गया। अब हम चलते हैं बाहर की दीवार पर, आउटसाइड वॉल अबव जीएल, अबव जीएल मूवी 10 सेंटीमीटर ब्लू, अबव प्लिंथ 10 सेंटीमीटर। जब बाहर से आप देखते हैं तो आपका फर्श यहाँ था, आपका दरवाजा यहाँ लगा था, आपने यहाँ प्लास्टर कर दिया, लेकिन जब हम बाहर देखते हैं तो हमारी जमीन कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका मतलब हमें कितना प्लास्टर करना पड़ेगा, बाहर तो हम यहाँ खड़े हैं
हमारा घर तो प्लिंथ पर ऊंचा बना हुआ था, इसलिए यहाँ अंदर प्लास्टर इतना हो गया। तो बाहर पर देखने पे आपने इस दीवार को भी प्लास्टर किया, साथ में ये जो बची हुई दीवार है प्लिंथ वाली, इसको भी क्या किया, प्लास्टर। जब हम इसको प्लिंथ के साथ प्लास्टर करते हैं तो 10 सेंटीमीटर नीचे तक प्लास्टर करते हैं। कितना करते हैं, 10 सेंटीमीटर नीचे तक। तो लंबाई तो इसकी कितनी है, 5 मीटर। थोड़ा इसमें है नहीं, लंबाई अब इसकी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। ये 60 सेंटीमीटर प्लिंथ की ऊंचाई, मतलब ये 3.60। साथ में 10 सेंटीमीटर हम थोड़ा नीचे से लेके चलते हैं ताकि इस मिट्टी की जो सीलन है वो हमारे घर में न समाए। तो कितना हो गया, 3, 6 और 1, 7, 3.7। ये आपका प्लास्टर की क्वांटिटी हो गई। यहाँ बस आउटसाइड वॉल की प्लास्टर का ध्यान रखना होता है, हमको एक्यूरेट लेके चलना होता है प्रैक्टिकली कि हमारा घर हम बाहर से देख रहे हैं। अगर आपने अपनी कैलकुलेशन में इतना प्लास्टर कर दिया तो आपका मिस्त्री एक्चुअल में भी इस प्लिंथ को छोड़ जाएगा, मतलब कि इतनी दीवार को वो प्लास्टर नहीं करेगा अगर आपने अपने एस्टीमेट में यहाँ इंक्लूड नहीं किया है तो एक्चुअल में जो वर्क हो रहा है वही आपको एस्टीमेट में लेना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब आप इसके बाद क्या करेंगे, सफेदी, वाइट वॉश। तो हम करते हैं वाइट वॉश, 3 कोट इनसाइड। घर के अंदर आपने 3 कोट सफेदी के किए, कितने कोट, 3 कोट सफेदी के। तो सेम प्लास्टर की तरह 5 मीटर लंबाई में होगा और अंदर इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। इसके बाद आप बाहर करिए 2 कोट कलर ओवर 1 कोट वाइट वॉश आउटर साइड। बाहर हमने क्या किया, बाहर वाली दीवार पर 1 कोट सफेदी की, उसके ऊपर 2 कोट कलर कर दिया, लेकिन बाहर की साइड। अब बाहर की साइड हमारी दीवार कितनी है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें हम प्लास्टर वाला 10 सेंटीमीटर नीचे नहीं लेंगे, ये तो हमारा जमीन में दब गया। अब हमें कितना दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो वाइट कोट क्या होगा, कलर 5 मीटर लंबाई में और 3.60, मतलब कि इस प्लिंथ तक। नीचे का 10 सेंटीमीटर वॉश में, वाइट वॉश में आप इंक्लूड नहीं करेंगे पर प्लास्टर में इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, तो इस तरीके से हमारी टोटल क्वांटिटी डीपीसी की ये आ गई, मल्टीप्लाई करके इसकी मल्टीप्लीकेशन करके ये आ गया। अब प्लास्टर क्या किया था तो एक ही काम, लेकिन अंदर अलग मात्रा थी और बाहर अलग मात्रा थी। तो अंदर की मात्रा और बाहर की मात्रा को हम जोड़ के टोटल क्वांटिटी लिखती है, इनकी टोटल क्वांटिटी वही रहेगी, बस प्लास्टर में क्योंकि 2 अलग अलग मात्राएं थी इसलिए इनको हमने यहाँ टोटल क्वांटिटी कर दिया। इस तरीके से हमारे एक दीवार बनने में जितनी भी क्वांटिटी की मात्राएं निकली, जिस जिस कार्य की, वो हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, तो देखते हैं इन मात्राओं के लिए प्राइस हमारा एक दीवार बनाने में कितना आएगा। तो अब हम देखते हैं हमने जो क्वांटिटी निकाली थी उनका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट क्या आता है। तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट का टेबल क्या था, सीरियल नंबर का कॉलम, पर्टिकुलर का यूनिट, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट, अमाउंट और रिमार्क। तो पहला हमारा आइटम क्या था काम करने का, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन एंड फाउंडेशन। हमने सबसे पहले क्या किया था, मिट्टी की खुदाई की थी। तो मिट्टी की खुदाई की यूनिट क्या थी, हम निकाल चुके थे क्यूबिक मीटर। और हमारी 5 मीटर लंबी 3 मीटर ऊंची दीवार के लिए जो मिट्टी की खुदाई हुई थी फाउंडेशन है कितनी हुई थी, 5, हमने यहाँ लिख लिया। अब इसका जो रेट है, ये रेट, ये हम या तो एज्यूम करते हैं, मानते हैं, या फिर हमारे पास SOR होती है, शेड्यूल ऑफ रेट, वहाँ से हम अपने आइटम्स के जो प्राइजेस हैं वहाँ से दे सकते हैं। ये PWD की एक बुक होती है शेड्यूल ऑफ रेट, जिसके अंदर बिल्डिंग में होने वाले माइनर से माइनर वर्क की रेट दी होती है कि पर यूनिट उसकी रेट कितनी है। तो आप या तो SOR से इसको रख सकते हैं या आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे इस वर्क की रेट कितनी होगी, या फिर मार्केट प्राइस भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या आपके ऊपर होता है, इसका कोई रोल नहीं है, ये आपकी एज्यूमेशन है कि आपने कितना एज्यूम किया।
या तो आप SOR से रखिए, मार्केट रेट से रख लीजिए, लगभग लगभग चलता फिरता कुछ भी रख सकते हैं रेट, जो आपको लगता हो कि हाँ हमने इतना काम कराया था प्रैक्टिकली, तो अब रेट आज के टाइमिंग में इतना होगा, या पहले का कभी याद हो उस टाइप से। तो ये हमारी क्वांटिटी हो गई, हमने मान लिया हमारी एक क्यूबिक मीटर के लिए 450 रुपये एक मिस्त्री या जो भी है, टोटल खर्चा 450 का आ रहा था उस मिट्टी खुदाई पर एक क्यूबिक मीटर की पर यूनिट से है ये रेट। अब हमने किया सीमेंट कंक्रीट, नीम में सीमेंट कंक्रीट डाला, ये किसमें डालता है क्यूबिक मीटर में, इसकी हमने मात्रा कितनी निकाली थी 150। इसका प्राइस या तो आप सोच लीजिए SOR में 320 दिया है या मार्केट में 320 चल रहा है, किसी से पूछ कर देख लीजिए, या आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। अगर आप सीमेंट कंक्रीट डाल रहे हैं नीम में तो एक क्यूबिक मीटर के लिए आपको 320 रुपये का खर्चा आएगा, तो 150 क्यूबिक मीटर के लिए कितना आया 320 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल खर्चा आपका इतना आया जितनी आपकी लंबी दीवार थी उसके लिए। सेम ऐसे मिट्टी खुदाई के लिए 450 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपके ये रुपए आ जाएंगे टोटल। डिटेल में हमें यही चीज पता चलती है कि मिट्टी की खुदाई में कितना रुपया खर्च हुआ, सीमेंट कंक्रीट में हर चीज का अलग अलग रुपया पता चलता है, तब हम क्या करते हैं टोटल अमाउंट। तो हमारे काम क्या क्या थे, हमने नीम में चिनाई की थी, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क किया था नीम में, उसका हमने अपना क्वांटिटी निकाली थी, ब्रिक वर्क की यूनिट क्या है क्यूबिक मीटर, और हमने इसको प्राइस दे दिया, इतने प्राइस एक क्यूबिक मीटर के लग रहे थे। यहाँ हमारा नीम की चिनाई का खर्चा आ गया 1200। अब आगे देखते हैं 250 सेंटीमीटर, इसका कितना है डीपीसी है, डीपीसी की यूनिट क्या होती है स्क्वायर मीटर, इसकी क्वांटिटी हमने इतनी निकाली थी अपने पहले वाले टेबल में, पहले वाले टेबल से आपको सिर्फ ये क्वांटिटी रखनी है यहाँ पर, ये फिर अलग से, और यूनिट आपको पता ही है चिनाई की क्यूबिक मीटर, प्लास्टर की स्क्वायर मीटर, वाइट वॉश की स्क्वायर मीटर एंड कलर वॉश की स्क्वायर मीटर। सारी क्वांटिटियाँ रख के उनमें SOR में या जहाँ से भी आपको प्राइस मिले आप उनके प्राइस रख के क्या करते चलेंगे इनका इसमें मल्टीप्लाई, इस तरीके से आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा एक एक मात्रा का, चिनाई में खर्चा, प्लास्टर में खर्चा, DPC में खर्चा, सबका अपना अलग अलग आपको रुपये पता चल गए। इन सब का आप क्या करेंगे टोटल कर लेंगे, क्या किया टोटल, मतलब कि टोटल हमारा खर्चा आया 11,231.26 रुपये, ये रुपये में। अब हमने कुछ चार्जेस पड़े थे कि हमारे मटेरियल के अलावा कुछ और पैसा भी हमसे खर्च हो जाता है, तो क्या होता है हम यहाँ पर ऐड करते हैं, जब हम बिल देंगे अपना खर्चे का तो हम इस टोटल के अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खर्च हुई होंगी उनको भी हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हम ऐड करते हैं 3% वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, टोटल में आप 3% ऐड कर देंगे वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या था, हमारे प्रोजेक्ट पर फील्ड पर जो चौकीदार जो सुपरवाइजर था उसको जो हम सैलरी दे रहे थे उस सैलरी का खर्चा भी तो हमें दे निकालना है, तो वो हम क्या करेंगे 3% टोटल का ऐड कर देंगे। 3% कैसे निकलेगा, इसका ×3/100 करके आप 3% निकालेंगे, 336 रुपये आया, यह आपने एक दीवार के लिए निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 1.5% कंटेंजेंसिस चार्जेस, मतलब कि ऐसे खर्चे जो हमें दिखाई नहीं देते पर हमें पता है खर्च हो गए होंगे, हम कह देते हैं 10 रुपये तुम ले जाओ, 100 रुपये तुम ले जाओ, 20 रुपये तुम ले जाओ, पेट्रोल की किसी भी चीज के जो ऊपर से एक्स्ट्रा आता ही रहता है खर्चा जो 100-200 जेब से जाता रहता है, उसको क्या है आप 1.5% इसमें और ऐड कर देंगे, इसका 1.5% निकालेंगे और इस रुपये में ये 1.5% जो निकल गया है उसको ऐड कर लेंगे। अब लास्ट आप जो चार्ज जोड़ेंगे 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ठेकेदार का लाभ भी तो जोड़ना है हमें, ठेकेदार अपना पैसा लेगा तो ठेकेदार का प्रॉफिट कितना जोड़ते हैं हम 10% टोटल कॉस्ट का,
मतलब कि अगर इतना खर्चा आया तो ठेकेदार को 1,100